कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दुनिया भर के देशों में लोग डरे हुए हैं। जहां कई देशों ने यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा की है, तो वहीं भारत ने भी 12 देशों के यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दिया है। WHO ने ओमिक्रॉन को चिंताजनक वेरिएंट बताया है। वहीं इस बीच इस खतरे को टालने के लिए वैक्सीन कंपनियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दवा कंपनियों फाइजर और बायोएनटेक के बयानों ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया है। दवा कंपनियां फाइजर और बायोएनटेक ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि उनकी वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के इलाज के लिए प्रभावी है भी या नहीं। वहीं स्पुतनिक कंपनी ने बताया है कि वो 100 दिनों में इस नए वेरिएंट के खिलाफ एक नया टीका विकसित करने की कोशिश करेगी। भारत में जिन 12 देशों से यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग अनिवार्य किया गया है, इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन सहित यूरोप के देश भी शामिल हैं। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद वीजा प्रतिबंधों में ढील के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा प्रारंभ करने पर एक बार फिर से असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगर सख्ती नहीं की गई तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 8,318 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,967 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान 465 लोगों की संक्रमण से मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 4,67,933 हो गई है। एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय ने दक्षिण अफ्रीका में मिले COVID-19 के नए वेरिएंट B.1.1.529 को लेकर कहा कि हमें इस वेरिएंट की कुल संक्रामकता नहीं पता है। संभावना है कि यह वैक्सीन या संक्रमण से प्राप्त इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है। गौरतलब है इस वेरिएंट के 32 म्यूटेशंस हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले COVID-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण विश्व व्यापार संगठन ने अपने मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया है। WTO के महानिदेशक निगोंजी ओकोंजो इवेला ने कहा, यह नया वेरिएंट हमें उस कार्य की जरूरत की याद दिलाता है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकोल ने कहा कि COVID-19 और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच शुक्रवार को COVID-19 विपदा आपातकाल घोषित किया गया। नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक न्यूयॉर्क में नहीं मिला है, लेकिन यह आ रहा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने दक्षिण अफ्रीका में COVID-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने के बाद बताया कि दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वाले हर व्यक्ति को आगमन पर क्वारंटीन किया जाएगा। बकौल पेडनेकर ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। वहीं गुजरात सरकार ने दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों से राज्य में आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। इनमें से यूरोप, ब्रिटेन, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और हांगकांग शामिल हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।